हेलो बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम आप सबको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट टेंट बोर्ड में हैं और 2023 में परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका 5 मार्क्स कम्प्लीट हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, है ना, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन है आपका, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सोल्यूशन करते हैं, आइए हम सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बताते हैं। भूमि के एक बिंदु, ठीक है, ये भूमि का देखिए एक बिंदु हो गया, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, ये देखिए कोई मीनार है, ठीक है ना, ये क्या है, मीनार है, मीनार के अब ये देखिए क्या है, पाद बिंदु, तो मीनार के पाद बिंदु ये हो गया, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये आपका 30 मीटर दूरी हो गया, ठीक है ना, 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का शिखर, ये मीनार का शिखर है, और इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस फिगर बनाने के बाद ABC नाम दे देते हैं, और ये जो हमको निकालना है इसको H लिख देते हैं, ठीक है ना, बहुत ईजी है, आराम से देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद इसको कैसे बनाएंगे, देखिए लिख लेते हैं, माना कि मीनार की जो ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई उसको हम इक्वल टू h मान लेते हैं, ठीक है ना, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ओके। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज, कौन सा ये त्रिभुज है, ABC में कौन सा थीटा निकालेंगे, आधार दिया है, लंब निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, ओके। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री, यहाँ पर 30 भर दीजिए, टेन 30, लंब को आप लिख सकते हैं h, और आधार को लिख सकते हैं BC, ओके। अब टेन 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 पुट कर दिया, और h जो है निकालना है, और BC कितना है, 30। आगे यहाँ पे मैं इसको सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ, आगे आपका h इक्वल टू 30/√3, ये 30 गुना होकर √3 हो गया। अब इसका हर परिमेयकरण करिए, √3 और √3 से ऊपर नीचे गुना हर परमेय काल आता है, तो हो गया 30√3, और √3 जो होता है 3 होता है, ये गुना हो के 3 × 10 = 30, तो h कितना आ गया, 10√3, कितना आ गया h, 10√3 मीटर। अर्थात मीनार की जो ऊंचाई है ना हमारा, क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 10√3 मीटर, इसको आप अंडरलाइन इस तरह से कर दीजिए, और ये आपका आंसर, ओके। देख लिए ना, इस तरह से आपको आंसर आ जाता है, ठीक है एवरीवन, आपको समझ में आया, इसी तरह से आपको प्रश्न को हल करना है। आई होप डैट कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करेंगे, और आप न्यू व्यूवर्स हैं, आज पहली बार ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल पर आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।